قناة أنوار بوست، السلام عليكم. بعدما انتشرت فيديوهات الهنود وهي تكسر أصنامها وترميها في النهر وتأكدهم بأنها لم تنفعهم في مواجهة وباء كورونا المتحور، خرج العديد من الهنود وهم يعلنون إسلامهم تحت التكبير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उस अल्लाह का लोगों को माफ कर देना चाहिए। पहले मैंने जरूर ये समझा था कि यही इस्लाम है। इन्हीं मैंने बताया कि कुछ लोगों के अखलाक की वजह से द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म लिखी थी। मैंने सोचा था ये इस्लाम है, लेकिन जब वास्तविक इस्लाम को जाना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना, जब कुरान को जाना, जब हदीसों को पढ़ा, तो मुझे उन पर दया आई, उन सज्जन पर, कि वो इस्लाम को नहीं जानते। ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी दोनों के खिलाफ काम करते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी कथनी और करनी के हिसाब से अगर दुनिया चले तो सारी दुनिया में अमन चैन हो जाए। इससे बड़ा सत्य धर्म, इससे बड़ी इंसानियत और कोई हो ही नहीं सकती। जितनी की बड़ी इंसानियत इस्लाम में मौजूद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी में मौजूद है। एक बार मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सज्जन ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों के लिए बद्दुआ कीजिए और उन पर लानत भेजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने किसी के लिए बद्दुआ देने के लिए, किसी पर लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, रहमत के लिए भेजा है। और कुरान मजीद में अल्लाह का आदेश मौजूद था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में है कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए रहमत यानी दयालु बनाकर भेजा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما।